हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पनीर लबाबदार की रेसिपी लेकर आई हूँ। उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो भी मैंने रेसिपीज डालू उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते पनीर लबाबदार हमें बनाना कैसे है। पनीर लबाबदार बनाने के लिए लगभग 400 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ पे, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया, मतलब मीडियम साइज के पीसेस है ये। 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर, 50 ग्राम काजू, ऑयल 5 से 6 टेबलस्पून, फ्रेश मलाई 1 टेबलस्पून, 1 से डेढ़ तेज पत्ता, जीरा 1 टेबलस्पून, 4-5 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 स्टार फूल, 1 से डेढ़ दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च 10 से 15, 4 मीडियम साइज के प्याज, 3 बड़े साइज के टमाटर, हरा धनिया, अदरक लहसुन, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, कस्तूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अब सबसे पहले हम टमाटर को बॉईल करने रख देते हैं और प्याज को चॉप्ड कर लेते हैं मीडियम साइज में। अब मैंने यहाँ पे टमाटर को बॉईल कर लिया है, आप देख सकते हैं छिलका निकलने तक ही हमें इसे बॉईल कर, और इधर मैंने प्याज भी चॉप्ड कर लिए है, इसके थोड़े मीडियम साइज के पीसेस मैंने बनाए हैं। अब इन टमाटर को ठंडा होने के बाद हमें बारीक पीसेस में चॉप्ड कर लेना है, मतलब मीडियम साइज के पीसेस में। इसके छिलके हमें साइड में निकाल देना है जब हम इसके पीसेस करेंगे। अब मैंने यहाँ पे टमाटर को चॉप्ड कर लिया, आप देख सकते हैं मीडियम पीसेस में चॉप्ड कर लिया हमने, ना तो ज्यादा बारीक है ना ज्यादा मोटे। टमाटर चॉप करते समय मैंने देखी इसका छिलका जो है अलग से निकाल रखा है, और इसके बीजे भी मैंने अलग से निकाल रखे, इसके बीजे जो है हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें मैं लगभग 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने फ्लेम थोड़ी सिम पे रखी है। अब हम इसमें डालेंगे स्टार फूल, दालचीनी, इसको थोड़ा हम होने देंगे लगभग 5 से 6 सेकेंड्स। 5 से 6 सेकेंड होने के बाद हम इसमें डालेंगे लौंग, हरी इलायची, 4-5 सेकेंड के बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, थोड़े हमारे मसाले पकते से ही हम इसमें डालेंगे काजू, काजू के साथ साथ हम डालेंगे जीरा और तेज पत्ता। अब इसे अच्छे से होने देंगे हम जब तक काजू का कलर गोल्डन नहीं हो जाता। हमारे काजू ने गोल्डन कलर ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। अब इसे हम अच्छे से पकने देंगे। अब हमारे प्याज इधर ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, आप देख सकते हो, इसे हमें और थोड़ा 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। मैं सीम पर ही पूरे मसाले फ्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। हमारे मसाले अगर अच्छे से भुने रहेंगे तो हमारे सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये सारे मसाले भुनने के लिए मैंने आयन की कड़ी ली है, आयन की कड़ी में प्याज बहुत कम चिपकते हैं। प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कटे हुए टमाटर, इसे भी हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। ये प्रोसेस में फुल फ्लेम पे कर रही हूँ। अब हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं, अब इसे हम ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस मसाले को हमें ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेना है, अच्छा चिकना पेस्ट बनाना है हमें इसका। अब मैंने सारे मसाले को यहाँ पे चिकना पेस्ट में बदल दिया है, आप देख सकते हैं मैंने पीस लिया है पूरे मसाले को। मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें मैं लगभग 4 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, अदरक, लहसुन, इसका जो हमने पेस्ट बना लिया था वो डालेंगे और इसे हम अच्छे से पकने देंगे। तब तक जब तक इसकी आवाज जो है, मतलब मसाले की आवाज थोड़ी कम नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे भूनना है। अब आप देख सकते हैं इस पेस्ट में से आवाज आना बिल्कुल कम हो चुका है, मतलब इसमें का पानी सूख गया है। अब इसे हम लगभग आधे मिनट तक पकाएंगे। आधा मिनट हो चुका है और हमारा पेस्ट भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसे हम
एकदम कम फ्लेम पे लगभग एक से डेढ़ मिनट तक पकने देंगे। एक से डेढ़ मिनट हो चुके हैं और मिर्च पाउडर से अच्छी सुगंध भी आ रही है। अब हम इसमें हमारा जो पेस्ट है मसालों का, जो हमने पीस लिया था चिकना, वो ऐड करेंगे। अब इसे हम लगभग 5 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाएंगे। जब हम ये प्रोसेस फुल फ्लेम पे कर रहे थे, हम इसे कंटिन्यू स्टीर करना है। 5 मिनट तक इसे फुल फ्लेम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं पूरा मसाला जो है ऑयल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम या मलाई फ्रेश, लगभग 1 टेबलस्पून। इसे बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आता है। अब मसाला अच्छे से पकाते हो ऑयल छोड़ने तक, तो सब्जी पे भी थोड़ा तेल दिखाई पड़ता है। अगर आप इसे तेल छोड़ने के पहले ही इसमें आगे की प्रोसेस करते हो तो सब्जी पे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। मलाई डालने के बाद लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के पीसेस। इसे हम अच्छे से मिक्स करके लगभग 2 मिनट्स तक पकाएंगे फुल फ्लेम पर, ऐसे ही चलाते हुए मिक्स करते हुए। लगभग 2 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले ने कितने अच्छे से तेल छोड़ा है, इसका कलर काफी बढ़िया आएगा। अब हम इसमें लगभग 2 कप जितना पानी ऐड करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि ग्रेवी बहुत ज्यादा थिक है तो हम इसमें और भी ज्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। अब सब्जी में पानी ऐड करने के बाद सफिशियंट पानी, थोड़ी ग्रेवी मैंने यहाँ पे थिकी रखी है, आप देख सकते हैं। इसे हम अब इसमें उबाल आ चुका है। लगभग 2 मिनट्स तक हमें इसे लो फ्लेम पे पकने देना है। अब 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक, गरम मसाला और ग्रेटेड पनीर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे लगभग 2 मिनट्स तक पकने देंगे। अब 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डेकोर करने के लिए डालेंगे ग्रेटेड किया हुआ पनीर। मैंने थोड़ा पहले डाला था और थोड़ा अभी डाल रही हूँ। अब हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो तैयार है हमारा पनीर लबाबदार। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप मेरी रेसिपी आप अपने घर पे जरूर ट्राई करिए। थैंक यू।